डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं खंड प्रताप सिंह आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 8 मैथ। चैप्टर चल रहा है हमारा 2.2। हमारे पास लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से आगे। क्वेश्चन है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रबीज एज विल बी 4 टाइम्स इट्स प्रेजेंट एज। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पहले मान लेते हैं लेट द एज ऑफ रवि इज, लेट द एज ऑफ रवि इज एक्स ईयर। कितने ईयर? एक्स ईयर्स। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 ईयर्स आफ्टर, तो आप लिखेंगे 15 ईयर्स आफ्टर एक्स प्लस 15, एक्स प्लस 15, तो क्या हो जाएगा, दोनों की एज में से एक्स है और ये एक्स प्लस 15 है, 15 के बाद कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 टाइम, यानी 4x इक्वल टू एक्स प्लस 15। तो 4x को रहने देते हैं, x इधर लाते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू 15, 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15 बाई 3, 3 5 15, तो आपका हो गया x इक्वल टू 5 ईयर। यानी इस समय जो रवि की एज है वो 5 ईयर है। रवि की एज कितनी है, 5 ईयर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व हो गया। आप चाहे पॉज करिए, धक्का मारिए, फोन पटकिए, फोन रखिए, मुझसे नहीं मतलब है, आपके कॉपी पे सवाल हो जाना चाहिए। एंड थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इरेशनल इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाई 5/2 एंड 8 2/3 टू द प्रोडक्ट यू विल गेट इतना, जो भी आपको गेट करना है। तो पहले हम मान लेते हैं वो जिसके बारे में हमें नहीं पता है वो x है, वो कितना है, वो है x, क्वेश्चन नंबर 13 में x। अब का क्या रहा है कि इस नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाई 5/2, यानी x मल्टीप्लाई बाई 5/2 एंड 8 + 2/3 + 2/3 इट बिकम्स कितना, -7/12। हम क्या करेंगे अब इसको, अब इसको आराम से लगाएंगे और क्या करेंगे, 5x इनकम 5x अपॉन 2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। 3 और 2 का एलसीएम ये हो जाएगा इंटू थ्री, ये हो जाएगा इंटू टू, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, इंटू थ्री, क्योंकि 3 यहाँ है दोनों में जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा दोनों में जाएगा। कितना हो गया बच्चों, 3 5 15x अपान 6 प्लस 4/6 इज इक्वल टू -7/12। अब 6 हमारा हो गया कॉमन, 6 हमारा क्या हो गया कॉमन, 15x प्लस 4 इज इक्वल टू -7/12। अब हम कर लेते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, या यूं कहिए सीधे सीधे कर लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पालना हम लोगों को, 15x + 4 इज इक्वल टू -7/6। ओके, तो 15 12 कितना होगा, 180, एक्स प्लस 12 4 48 इज इक्वल टू -6 से बन जा -42। देखते रहिए ध्यान से आप लोग, 180 एक्स इज इक्वल टू -42 प्लस 48 -48, तो 180 एक्स इज इक्वल टू कितना, 8 to 10 carry 1 4 4 8 1 9 -90, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा का -90/180, तो 90 to 180, तो 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1/2, यही आपका हो गया आंसर। अब आप लोग इसको उतार लीजिए, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है,
लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक. लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक. सी हैज द करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन कितना रुपीज 150 एंड रुपीज 10. 150 एंड रुपीज 10. ओके क्या क्या है इसके पास. 100 की गड्डी है, 50 की गड्डी है और 10 की गड्डी है. क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना. द रेशियो ऑफ दीज नोट्स इज 2:3 कितना 5. ओके और टोटल अमाउंट कितना है आई थिंक 4 लाख. चलो इतनी चीजें आप लोगों ने देख ली. अब आपको सीधे सीधे किस बात को समझाते हैं हम लोग. लेट द नंबर ऑफ रुपीज 150 एंड 10 2x, इसको मान लेते हैं 2x, इसको 3x, इसको 5x. अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं कैसे. 2x इंटू 100 ये हो गया, 3x इंटू 50 ओके और 5x इंटू 10. हमारे पास तीन चीजें मिल गई हैं. इन तीनों को मिला करके ही हमें टोटल अमाउंट पता करना है. ओके तो लेट्स सी 2x इंटू 100 प्लस 3x इंटू 50 प्लस 5x इंटू 10 ओके इक्वल टू कितने रुपीज 4 लाख. आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत सिंपल सवाल है. ये कितना हो गया 200x, ये कितना हो गया 150x, ये कितना हो गया प्लस 50x इक्वल टू कितने 4 लाख. इज दैट क्लियर. अब हम इनको ऐड कर देते हैं 400x इज इक्वल टू 4 लाख. x इक्वल टू 4 लाख अपॉन 400. 00 कैंसिल और ये कितना हो गया 2 यानी कितना हो गया आपका आंसर आई थिंक 2000 अगर मैंने क्वेश्चन ढंग से किया होगा तो आपका हो गया कितना x की वैल्यू आ गई 2000. चलिए अब हम इनको नोट्स में बांट लेते हैं. 100 के नोट कितने हैं 2:3 में. चलो आगे हम देखते हैं 2x नोट है 100 के तो 2 इंटू 2000 यानी कि कितने नोट हो गए 4000 नोट हैं. कितने नोट है 4000. 3x है कितने के 50 के. कितने हो गए 6000 नोट. ओके 5x किसके हैं 10 रुपीज के. 5 इंटू 2000 इक्वल टू कितने 10,000 नोट 10 के हैं. अब आप इतने की नोट है इसको 100 से मल्टीप्लाई करके इसको 50 से मल्टीप्लाई करके इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपका 400% आ जाएगा. ये मुझे कॉन्फिडेंस है आपको होना चाहिए. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. ये था क्वेश्चन नंबर 14. अब आप इसको चाहे धक्का मारिए, मोबाइल पटकिए, फोड़िए, हमसे मतलब नहीं, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे पुश कीजिए, बस ये सवाल आपकी कॉपी पे आ जाना चाहिए. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 15 आपका चिल्ला रहा है. क्या चिल्ला रहा है, हम भी चिल्लाएं. क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज इन कॉइंस. अब ये भी सेम सवाल है जैसे पिछला सवाल था. तो रुपीज 300 कॉइन के रूप में है जिसमें से रुपीज 1, रुपीज 2 और रुपीज 5. द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 times टू द नंबर ऑफ रुपीज 5 टाइम. द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन. द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160. इन सबके कॉइन्स का काउंट करेंगे तो कुल कॉइन कितने हैं 160. कुल रुपीज कितने हैं 300. अब हम देखते हैं क्या करना है. तो हम क्या करेंगे इसको, मान लेते हैं हम 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, रुपीज 5 के कॉइन हो गए x.
कितने हो गए x, तो 2 रुपीज कितने हो गए, अभी आपने देखा ना 3x हो गए। फाइनली हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 60, कितने हैं 160, कितने हो गए 160। कन्वर्टिंग द नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू रुपीज वी हैड x कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 अमाउंट एज 5x, हमारा कितना हो जाएगा 5x। उसके बाद 3x कॉइन्स ऑफ रुपीज 2 अमाउंट 3x इनटू 2 मतलब 6x, 5x रुपीज 6x रुपीज सेम एज 160 माइनस 4x। हमारा चूंकि 1 रुपीज का कोई हिसाब नहीं था, हम क्या करेंगे इसको कर लेंगे 4x, एज पर द कैंडिडेट वी हैड 5x 6x एंड 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। देख रहे हैं ना, हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको सीधे से सॉल्व करते हैं। इसके आगे का सोल्यूशन आप फिर से देखिए पूरे बोर्ड पर, यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि इनको हम ऐड कर देते हैं, 5x प्लस 6x प्लस कितने कुल कॉइन है 160 माइनस 4x इक्वल टू कितने रुपए, रुपए तो आप लोगों को ज्ञात ही होंगे, इक्वल टू आपके हो गए 300 रुपीज। अब चाहे तो इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लें या फिर बताइए तो हम आगे सॉल्व करवाएं, वैसे हम करवा दे रहे हैं। 5x 6x कितने हो गए 11x, 11 में से 4 गया 7x इक्वल टू 300 माइनस 160 कितना हो गया, जो भी हो गया आप कर लीजिए 0, 10 में 6 गया 4, 2 में 7 140, x इक्वल टू कितना हो गया 140 डिवाइडेड बाय 7, 7 टू जा 14, x इक्वल टू 20 आ गया। बाकी आप सिक्कों की गिनती कर सकते हैं, 5x 7x और 160 माइनस 4x। इसको आगे करवाने की बहुत विस्तार जरूरत नहीं है, इसके पहले का सवाल सेम था, आई होप कि आप ये सवाल आराम से कर ले जाएंगे। अब हम आते हैं आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर लास्ट पर, क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसए कंपटीशन डिसाइडेड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ रुपीज 100 एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट द प्राइज ऑफ रुपीज 25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज रुपीज 300। विनर कितना पाएगा 100, और केवल जो पार्टिसिपेंट है जो कुछ नहीं कर पाए हैं उन्हें मिलेगा रुपीज 25, और दोनों को मिला कितना मिलेगा 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। अब देखो कुल पार्टिसिपेंट कितने हैं 63, इसका मतलब यह हुआ अगर सीधी भाषा में बोले जनरल भाषा में कि 63 लोग पार्टिसिपेट किए थे जिसमें से 25 तो सबको मिला होगा, बाकी 100 इसमें से कुछ लोगों को मिला होगा। तो इसको व्यवहारिक गणित में ना ले जाकर के हम लोग सीधे सॉल्व करते हैं, तो हम बात क्या मान लेते हैं विनर कितने हैं, लेट द विनर बी एक्स, विनर कितने हो गए एक्स, तो पार्टिसिपेंट कितने हो गए, तो वे जो 25 रुपीज जीत रहे हैं वो कितने हो गए, तो आप सीधे सीधे कहेंगे 63 माइनस एक्स। ओके, अब क्या कह रहा है सवाल, एज पर कैंडिडेट वी गेट कितना अमाउंट गॉट बाय विनर्स 100 इंटू एक्स इंटू 100, तो कितना हो गया 100x, और इसी के साथ ही अमाउंट गेट बाय द लूजर कितना माइनस 25, यानी रुपीज कितना, आप इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 25x, ओके, और 1575 इसको मल्टीप्लाई करने पाएगा 1575 माइनस 25x। अब हमारी शर्तें क्या हैं, अब इन दोनों को मिला देना है 25x, ठीक है। अब ये जो है और ये जो है मिल करके कितना ले रहे हैं, तो आपका आंसर होगा सर ये सब मिलके 3000 ले रहे हैं। ओके, तो हम कर लेते हैं 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000 रुपए लेकर गए ये लोग। ओके, क्या करना है,
ये माइनस है, ये 100 है, कितना हो गया 75x, ये 3000 है, ये माइनस 1575, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, यहाँ बच्चे 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी 75x इज इक्वल टू 1425, तो x इज इक्वल टू कितना 1425 डिवाइडेड बाई 75, चलो इसको करके देखते हैं हम लोग, 1425 डिवाइडेड बाई 75, टुज्जा ज्यादा हो जाएगा, इसको हम इसलिए वनजा में ही रखते हैं, किसमें रखते हैं वनजा में ही। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था फिर से देख लेते हैं हम लोग एक बार, किस प्रकार से नोड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो ये 19 टाइम जाएगा, कुल मिलाकर एक बार 1 टाइम जाएगा, कितना हो गया 75, और 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, 30 माइनस 7 इक्वल टू 6, ये कितनी बार जाएगा 75 माइनस 675, तो हमारा कितना आ गया 19, आंसर हमारा कितना आ गया 19। अब आप इसकी वैल्यू देख ही रहे हैं, तो अब इसको x की वैल्यू अगर 19 आ गई तो आप इसको निकाल सकते हैं आराम से, और x की वैल्यू इसमें रख करके इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। इतना तो आप लोग कम से कम कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की कम से कम इज्जत कीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे, अगर सब कुछ समझ में आ गया तो एक बार घर में बिना डरे, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे कोई ना हो, जोर से बोल दो भारत माता की जय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।